आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है एरर। ठीक है, एरर मतलब होता है मिस्टेक, गलती, भूल चूक। जब हम किसी काम को करते हैं तो हमसे कभी भूल चूक हो जाती है ना, जैसे हम चाय बना रहे हैं, शायद हमारा ध्यान ना हो तो हम शक्कर कम ज्यादा कर देंगे, ठीक है, अदरक कम ज्यादा कर देंगे, ठीक है, तो चाय का टेस्ट बिगड़ जाएगा। और चाय का एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, एक पसंद होती है ना, तो हम यदि चाय में सारे इंग्रेडिएंट सही समय पे डालेंगे, उस काम को हम अच्छे से करेंगे, तो कोई एरर नहीं आएगी, है ना। ऐसे ही हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम टैबलेट, कैप्सूल, पैरेंटल्स बनाते हैं, तो हम एसओपी के तहत बनाते हैं। एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में हमें पता होता है कि क्या कब हमें कितना करना है, तो ये एरर को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। पर जब हम लैबोरेटरी में काम करते हैं, जैसे हम सपोज लैब में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उस दौरान हमने कोई केमिकल ऐड किया, हमने जैसे लोशन बनाना है, हमने ऑइंटमेंट बनाना है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं ना, तो उनकी एक निश्चित मात्रा हम उसमें डालते हैं, तो इसके लिए हम तोल मोल करते हैं, तराजू होता है, एनालिटिकल बैलेंस जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा तराजू होता है जिसको हम एनालिटिकल बैलेंस कहते हैं, तो इस बैलेंस पे हम वे करते हैं, वेइंग, मापने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो दवाइयां होती है, मैंने आपको बताया था, जैसे एमजी में ज्यादातर टेबलेट कैप्सूल्स मार्केट में आते हैं, ठीक है, तो यदि हमें एमजी में तौलना है तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव वेइंग होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम मात्रा होती है, 1000 mg का 1 ग्राम होता है, ठीक है, और 1000 ग्राम का 1 kg होता है, तो जो दवाइयों के डोज होते हैं या दवाइयों का जो प्रोडक्शन होता है, वैसे तो इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, लेकिन जब हम लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो हम एज अ डेमो बहुत कम क्वांटिटी में टेबलेट कैप्सूल या कोई लोशन ऑइंटमेंट बनाते हैं, तो इसमें हमें वेइंग जब करनी होती है तो इस वेइंग में एरर आ जाती है, ठीक है। जैसे हमें किसी ने कहा कि भाई 500 mg आप तौलिए, ठीक है, और हमने जब उसको तौला तो बाय मिस्टेक हमने उसको 500 mg तौलना था और मैंने उसको 490 mg तौला, तो ये जो 10 mg का गैप आया इसको बोलते हैं एरर, ठीक है। एक्चुअली मुझे कितना चाहिए था, मुझे 500 mg चाहिए था, लेकिन किसी या तो मेरी पर्सनल मिस्टेक हो सकती है या मेरी लापरवाही हो सकती है, केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है, या वेइंग मशीन में कोई डिफेक्ट हो सकता है, या जब मैं वेइंग कर रहा हूँ तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर उस पर इम्पैक्ट डाल सकता है, जैसे फैन चल रहा है तो फैन की वजह से भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ सकता है रीडिंग में, है ना, और कुछ एक्सपेरिमेंट में कहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ उस वजह से भी कुछ एरर्स आती हैं, तो ऐसे बहुत सारे सोर्स ऑफ एरर्स हैं, तो एरर्स को हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है, प्रोडक्शन के दौरान, एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें कम से कम एरर होनी चाहिए, क्योंकि एरर्स जो है वो हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट की इफिकेसी को कम कर सकता है। दिलीप, समझ में आ रहा है एरर क्या होता है हाँ सर, आ रहा थोड़ा सा समझ ना? एरर में। हमें मिनिमाइज करनी है, एरर मतलब मिस्टेक, जब हम कोई काम को करते हैं तो कम से कम गलतियां होनी चाहिए, तो गलतियां लापरवाही की वजह से भी हो सकती है, गलतियां इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकती है ना, जैसे दिलीप के पास एक बीपी की मशीन है, ठीक है, दिलीप ने उससे बीपी लिया लेकिन वो मशीन में क्या है, डिफेक्ट था, ये दिलीप को नहीं पता था, तो उस मशीन से जो रीडिंग आई तो दिलीप ने देखा कि मेरे फादर का बीपी तो काफी बड़ा हुआ आ रहा है, जबकि उनका एक्चुअली बीपी उतना बड़ा था क्या, नहीं बड़ा था, तो ये जो मिस्टेक्स होती हैं, एरर्स होती हैं, ये हमें आगे चल के काफी नुकसान दे सकती हैं, तो हमने सोचा कि भाई इस पेशेंट को तो बीपी, हमने बीपी का मेडिसिन देना शुरू कर दिया, एक्चुअली में उसको बीपी था ही नहीं, है ना, ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, है ना, हमने जैसे ध्यान नहीं दिया, हमने चाय में शक्कर की जगह नमक डाल दिया, क्या होगा चाय का, चाय पीने लायक नहीं रहेगी, तो ये सब एरर्स के अंतर्गत आता है। तो एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, जिसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक होता है एक्सेप्टेड ट्रू वैल्यू, है ना, तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू रिजल्ट, जिसको हम एक्सेप्टेड ट्रू रिजल्ट्स कहते हैं, और एक मेजर्ड रिजल्ट होता है। जैसा मैंने आपको कहा कि आप 500 mg पैरासिटामोल को वे कीजिए, उसको तौलिए, और आपने जब तौला तो वो कितनी तौलिया आपने, 490 mg तौलिया आपने, तो
400 - 500 - 490 यदि हम करेंगे तो 10 mg का डिफरेंस आएगा, एंड दिस इज एरर। क्लियर है? दिस 10 mg इज एरर। ठीक है, तो इस एरर को हमको मिनिमाइज करना है, और हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के एरर होते हैं और हम एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो एरर की डेफिनेशन क्या है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू रिजल्ट, जिसको हम एक्सेप्टेड ट्रू रिजल्ट भी बोलते हैं, और मेजर्ड रिजल्ट। मतलब एक है आपकी वो वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट से आई है, और एक है वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, मतलब जैसे दिलीप दिलीप को किसी ने चाय बना के पिलाई, तो दिलीप ने कहा भाई चाय सही नहीं बनी है ना, क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है हर चीज का, है ना, और स्टैंडर्ड चीज सबको पसंद आती है इसलिए तो वो स्टैंडर्ड होती है ना, और उस स्टैंडर्ड में यदि कोई भी कंप्रोमाइज होगा, सेक्रीफाइस होगा, तो व्यक्ति उसको महसूस कर सकता है। जैसे कोई दवाई बनाई के, जैसे टेबलेट की कोटिंग हुई है या टेबलेट की कलरिंग हुई है, ठीक है, उसमें यदि कोई एरर आएगी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टेबलेट पे कलर का नहीं होगा, तो क्या हम फिजिकल एग्जामिनेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस टेबलेट पे जो कोटिंग हुई है वो कलर की अनडिस्ट्रीब्यूटेड हुई है? कर सकते हैं, है ना। तो यही सब एरर्स के अंतर्गत आता है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जब एनालिसिस की जाती है, एनालिसिस मैंने आपको बताया था क्या होती है, कोई प्रोडक्ट है तो उसमें हम पता लगाते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितना है, कंपनी जितना क्लेम कर रही है लेबल पे उतना है भी या नहीं। बताया था ना आपको, ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल स्टोर से सैंपल कलेक्ट करता है और उसको एनालिटिकल लैब्स को भेजता है, और एनालिटिकल लैब ये आइडेंटिफाई करती है कि कंपनी ने जो लेबल पे मेंशन किया उतना इंग्रेडिएंट इसमें है या नहीं। कंपनी कह रही है कि 325 mg मैंने इसमें पैरासिटामोल ऐड किया है, तो है भी या नहीं उसमें, तो इसको पता लगाना एनालिसिस कहलाता है। तो ये एनालिसिस लैब में होती है, तो इसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट सारे कैलिब्रेटेड होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति यदि किराना दुकान पे आपको कुछ तेल तेल तोल के दे रहा है, लेकिन उसका जो पात्र है जिससे वो तेल तौल रहा है उसमें यदि डिफेक्ट होगा तो आपको कम तेल मिलेगा, है ना, तो उसको स्टैंडर्ड से आप कैलिब्रेट कर सकते हो। आपको जैसे किसी ने चीनी दी, उसका डिजिटल मीटर यदि आपको डाउट हो रहा है सही है या नहीं, तो उस चीनी को आप और कहीं 2-3 जगह तुलवा के ये कंफर्म कर सकते हो ना कि आपको सही 1 kg चीनी मिली है या नहीं, है ना। तो यही होता है आपका एरर। तो एरर को हमें मिनिमाइज करना है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में यदि एरर होगी तो हमारी मेडिसिन आगे लंबे समय तक मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी, या तो उसकी इफिकेसी कम हो जाएगी। इफिकेसी का मतलब होता है किसी भी दवा का बीमारी को ठीक करने की पावर, इसको बोलते हैं इफिकेसी। ठीक है, और एक होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है दवाई मैंने आज बनाई है तो कितने लंबे समय तक वो सस्टेन कर पाएगी, खराब नहीं होगी, वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करेगी और एक्शन दे पाएगी, है ना, तो इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी और इफिकेसी का ख्याल रखा जाता है, तो ये ख्याल रखने के लिए हमें एरर्स को समझना और एरर्स को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। इफ द एरर इन एन एनालिसिस इज लार्ज, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस मे रिजल्ट एज रिलायबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक्यूरेसी आर द बेसिस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब एनालिसिस यदि हम कर रहे हैं तो उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए और उसको उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, करेक्ट रिजल्ट्स हमें हमारे एक्सपेरिमेंट से आने चाहिए। हम यदि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए, तो वो करेक्ट तभी होंगे जब हमारा एक्सपेरिमेंट फ्री फ्रॉम एरर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति टाइट्रेशन कर रहा है, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट पे पिंक कलर आएगा तो वो उसको आइडेंटिफाई यदि करेगा तो एंड पॉइंट की रीडिंग सही ले लेगा। अब उसको सपोज कलर ब्लाइंडनेस है तो वो एंड पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है ना, तो ये भी तो एक एरर हो सकती है। हम यदि फिर उस एनालिस्ट को चेंज कर दे, कोई दूसरा एनालिस्ट वहां पर अपॉइंट कर दे, तो ये प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं आएगी, हमारे एक्सपेरिमेंट में ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो ये पर्सनल एरर भी तो हो सकती है, पर्सनल कॉर्नर से, है ना, केयरलेसनेस की वजह से एरर हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स के टाइप है। अब पेशेंट में अंडरगो एक्सपेंसिव और इवन डेंजरस मेडिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द इनकरेंट लेबोरेटरी रिजल्ट बिकॉज ऑफ एन एनालिटिकल एरर। अभी आपको मैंने बताया यदि पैथोलॉजी लैब में किसी व्यक्ति ने कोई टेस्ट परफॉर्म किया ब्लड सैंपल पे, स्प्यूटम पे, और उस टेस्ट के बाद यदि वो कोई गलत रीडिंग पेशेंट को बताता है
तो पेशेंट की जान को काफी खतरा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट को ऐसा लगा कि भाई मैं शायद पॉसिबली एचआईवी के सिम्टम्स हैं मेरे अंदर, या डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया कि आप एचआईवी टेस्ट करा लीजिए। ठीक है, वो एचआईवी टेस्ट के लिए लैब गया और लैब में लापरवाही की वजह से उसकी जो रिपोर्ट है जो कि उस नेगेटिव थी, लेकिन उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपको एचआईवी एड्स पॉजिटिव हो आप। और वो जब सुनता है तो उसको शॉक लगता है, वो स्ट्रोक में चला जाता है, और इस स्ट्रोक की वजह से, शॉक की वजह से वो सुसाइड कर लेता है। तो देखो, एक रॉन्ग रिजल्ट की वजह से उसने अपनी जान दे दी। तो डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एरर के। तो पैथोलॉजी लैब में जो टेस्ट किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा सिंसियरिटी के साथ किए जाते हैं, उनको कई बार रीवेरीफाई भी किया जाता है, रीवेरिफिकेशन किया जाता है, दोबारा करके देखा जाता है। जब कोई एकदम अजीब रिजल्ट आते हैं तो उस केस में उसको दोहराया भी जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को गायनाकोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई आप अपने स्पर्म टेस्ट कराइए। ठीक है, स्पर्म टेस्ट के लिए उसने अपना सैंपल दिया, सैंपल को एनालाइज करके यदि लैब रिपोर्ट बनी कि भाई आपको एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, आपके आपके सीमन में, आपके सीमन में एक भी स्पर्म सेल नहीं है। ठीक है, तो वो व्यक्ति को सुन के कैसा लगेगा कि मैं कभी फादर नहीं बन सकता, तो वो शॉक में चला जाएगा। तो इस टाइप की जो एरर्स है ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने एरर्स के कुछ एग्जाम्पल देखे। ये फर्स्ट स्लाइड आपको क्लियर है, व्हाट इज एरर? सर विद द क्लियर हेल्प है। ऑफ योर एग्जाम्पल्स वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज एरर। क्या होती है दिलीप एरर, बताओ? सर जो अपन मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू को करते हैं ना सर, उसको बोलते हैं एरर। एरर की वजह से सर, मान लो जैसे कोई फार्म किसी पैथोलॉजी में जाके अगर कोई टेस्ट कर रहा है और उसकी गलत वैल्यू आ गई, तो सर किसी की जान भी जा सकती है सर। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो एक होती है हमारा स्टैंडर्ड और वैल्यू, एक इसी होती है के ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंस वैल्यू। होता है सर। ठीक है, एक होती है हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू, एक होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो हमको ऑब्जर्व्ड वैल्यू को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड वैल्यू से। ठीक है, और यदि हम एक्सपेरिमेंट सही तरीके से परफॉर्म करेंगे तो हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो सेम रहेगी, और यदि वो सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई एरर है। और कुछ एरर ऐसी होती है जिसको हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, कुछ एरर ऐसी होती है जिसको हम शॉर्ट आउट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं कैप्सूल बना रहा हूँ, और यदि बारिश का सीजन है ना, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, रेनी सीजन है या बहुत ज्यादा गर्मी का सीजन है, तो उसका मेरे एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एरर्स भी होते हैं जो पता ही नहीं चल पाते कि भाई ये एग्जैक्ट जो स्टैंडर्ड वैल्यू है और ये हमारे एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू है ये मैच क्यों नहीं हो रही है, ये पता भी नहीं चल पाता है। कभी कभी पता चलेगा तो बिल्कुल हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। यदि मैं जान गया हूं कि भाई चाय केवल इसलिए अच्छी नहीं बनी है कि मैंने शक्कर की जगह नमक डाला है, तो मैं इस गलती को सुधार सकता हूँ ना, है ना? बिल्कुल या मुझे पता चल गया कि भाई ये व्यक्ति लापरवाही से काम कर रहा है जिस वजह से एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट गलत आ रहे हैं, तो मैं उस व्यक्ति को भी चेंज कर सकता हूँ। तो कुछ ऐसे एरर्स की पॉसिबिलिटी रहती है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, मैंने देखा भाई ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ रहा है, तो मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लूँ या मैं उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर लूँ। कैलिब्रेशन मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, कैलिब्रेशन का कैलिब्रेशन मीनिंग क्या सर, होता है? मतलब उसको कैलिब्रेट करना सर, ये तो मुझे पता है इसका कैलिब्रेशन का तो। है ना, जैसे कोई बीपी की मशीन है, यदि वो हर बार +5 ज्यादा बता रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ जाऊंगा कि भाई मेरी मशीन हमेशा +5 ज्यादा बताती है। मेरे पास एक वेइंग मशीन है, मैंने मेरा वेट किया, ठीक है, और मैंने देखा कि ये जो मशीन है यार ये हर बार 2 किलो ज्यादा बताती है, तो कोई दूसरा व्यक्ति मेजर करेगा तो मैं उसको बता दूंगा ना कि भाई तेरे वेट से तू 2 किलो कम कर ले क्योंकि ये 2 किलो ज्यादा बताती है। तो ये कैलिब्रेशन होता है। तो कैलिब्रेशन से हमारे एक्सपेरिमेंट में सही रिजल्ट आएंगे या नहीं, तो इसलिए हम बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, इफ अ टैबलेट कंटेन्स सोर्स ऑफ पैरासिटामोल आफ्टर एनालिसिस द एनालिस्ट ऑब्जर्व 490 mg ऑफ द पैरासिटामोल ऑफ द टैबलेट, देन एब्सोल्यूट एरर 500 - 490 इज इक्वल टू 10 mg। तो एरर को डिटेक्ट करने का फॉर्मूला क्या है, मेजर्ड मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, और इसको माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अपॉन ट्रू वैल्यू है सर। अपॉन ट्रू वैल्यू। सर मेजर्ड वैल्यू तो ये 490 होगी सर, और ट्रू वैल्यू 500 है ये। ठीक है, तो ये इसको निकालने का फॉर्मूला होता है।
ठीक है। एट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। सोनी हो रही एब्सोल्यूट है। एरर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है, हमारी जो बीपी की मशीन है वो यदि एरर दिखा रही है तो प्लस में भी दिखा सकती है, माइनस में भी दिखा सकती है, हो सकता है वो हर बार मतलब 0.5 ज्यादा दिखाए या 0.5 कम बीपी दिखाए, हो सकता है, ठीक है, हमारी जो जैसे वेइंग मशीन है वो 2 किलो ज्यादा वेट दिखाए या 2 किलो कम वेट दिखाए, तो ये उसकी एरर है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। नाउ द टाइप्स ऑफ एरर, एक होती है आपकी सिस्टमेटिक एरर जिसको हम डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं, और एक होती है रैंडम एरर जिसको हम इनडिटर्मिनेट एरर कहते हैं, तो ये दो टाइप की एरर होती है। जो सिस्टमेटिक एरर होती है इसका रीजन हमें पता होता है, ठीक है, इसलिए इसको सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, और जो रैंडम एरर होती है इसका हमें रीजन नहीं पता होता कि ये कहाँ से आ रही है, ठीक है, और इस पे हमारा उतना कंट्रोल भी नहीं होता कि हम इस एरर को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बेटर से बेटर आए, ठीक है, पर भी ऐसा देखा गया है कि भाई इंडस्ट्री में भी कभी कैप्सूल्स बनती है तो कभी कभी कोई ऐसा एरर आ जाता है कि समझ में नहीं आता है कि भाई कैप्सूल क्यों ऐसे ज्यादा ब्रिटिल हो जा रहे हैं, या पंचिंग मशीन जो होती है उसमें डाइज में स्टिकिंग की प्रॉब्लम आती है ना, और आपकी डबल इम्बोजिंग ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम आते रहती है, क्योंकि मशीनें जब लंबे समय तक काम करती हैं तो मशीनों में क्या थोड़ा सा इरोजन हो जाता है, ठीक है, तो पंचेस डाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की वजह से, एरर्स की वजह से टेबलेट कैप्सूल का प्रोडक्शन उतना बढ़िया नहीं हो पाता है, कभी कलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, कभी मतलब टेबलेट बहुत ज्यादा हार्ड बन गई, टेबलेट को बनने के बाद उसका क्वालिटी कंट्रोल के लिए उसकी एनालिसिस की जाती है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ताकि उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके, जैसे फ्रायबिलिटी टेस्ट हुआ, हार्डनेस टेस्ट हुआ, हार्डनेस टेस्ट भी लगाया जाता है टेबलेट पे कि टेबलेट कितनी हार्ड बनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज्यादा हार्ड बन गई है और वो अंदर जाके मतलब डिजोल्व ना हो, एज इट इज बाहर आ जाए स्टमक से, है ना, तो उस पर उसकी हार्डनेस भी चेक की जाती है, कैप्सूल की क्वालिटी जेलेटिन की चेक की जाती है, रॉ मटेरियल का क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, तो ऐसा नहीं है फार्मास्यूटिकल कंपनी में लैब्स होते हैं और वहां पर एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, वहां पर टेस्ट और ये सब चीजें परफॉर्म होती है, ठीक है, और रॉ मटेरियल की भी होती है और फाइनल प्रोडक्ट्स की भी होती है। अब बायस्ड पर्सनल एरर, इसमें आता है रीडिंग ऑफ मेनिस्कस, ठीक है, मेनिस्कस आपको पता है जैसे हम टाइट्रेशन कर रहे हैं है ना, और ऊपर ब्यूरेट की हमको रीडिंग लेनी है, तो ऊपर एक मेनिस्कस फॉर्म होगा ना, जब वो नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर जहां पर वो रुक जाएगा और हमको एंड पॉइंट मिल जाएगा, तो हम ऊपर वॉल्यूम की रीडिंग लेंगे तो उसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, ठीक है, तो यदि हमने मेनिस्कस की रीडिंग गलत ले ली, क्योंकि उसको ऊपर से भी देखा जा सकता है, आई साइड से भी देखा जा सकता है, कई एंगल से हम उसको देख सकते हैं, तो उसमें क्या है रीडिंग में डिफरेंस आ सकता है, तो एक ये भी एक एरर का तरीका है। एक हमने वेइंग में एरर कर दी, ठीक है, हमने जो डिजिटल वेइंग मशीन यूज की या हमने जो एनालिटिकल तराजू यूज किया वो उसकी वजह से डिफेक्ट आ गया, या हमारा जो कैलकुलेशन है वो हमने गलत कर दी उस वजह से भी एरर आ सकता है, ठीक है, या हमने कलर मैच करने में एरर कर दी, हम कलर को समझ नहीं पाए तो हमारे टाइट्रेशन की जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो रिजल्ट है उसमें एरर आ जाएगी, तो ये सब अब एरर का एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरर, ठीक है, इसमें मैकेनिकल लॉस ऑफ मटेरियल इन वेरियस स्टेप ऑफ एनालिसिस, ठीक है, तो इसमें क्या है लॉस की वजह से भी एरर आ सकती है, ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कैप्सूल फिलिंग मशीन से कैप्सूल की फिलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और कैप्सूल में मुझे भरना है पाउडर, तो जब फिलिंग में करूंगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत पाउडर उड़ जाए, ठीक है, और थोड़ा बहुत पाउडर यदि स्प्रेड हो जाएगा उड़ जाएगा तो उस केस में मुझे प्रॉपर डोज मिल पाएगा क्या कैप्सूल के अंदर मेडिकामेंट का, नहीं मिल पाएगा, तो ये मैकेनिकल लॉस भी हो सकता है, ठीक है, फ्रायबिलिटी की वजह से, आपने देखा होगा पाउडर उड़ता है कि नहीं, पाउडर को यदि मैं किसी चीज में ऐसे ऊपर से डालूं और भरूं तो उसके उड़ने की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज रहती हैं, तो ये मैकेनिकल लॉस की वजह से। अंडर वॉशिंग और ओवर वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या होता है जब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री में, क्योंकि इससे जो केमिकल्स हैं उनकी सिंथेसिस की जाती है, तो
जब एक्सपेरिमेंट होते हैं, जब लैब में काम होता है, तो क्या है, जब कोई प्रेसिपिटेट हमें मिला है तो उसमें से इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए हम उसमें वॉशिंग करेंगे, तो हम उसके लिए कोई ना कोई सॉल्वेंट का यूज करेंगे। इसको ऐसे समझो कि हमने साबुन कपड़े धोने के लिए यूज की, तो साबुन तो अच्छा है कपड़े धुलने के लिए, लेकिन हमने क्या है उसकी प्रॉपर वॉशिंग नहीं कर पाए, तो कपड़ों में थोड़ा सा साबुन लगा हुआ है, तो वो एक गलती है या नहीं, है ना। मम्मी कहेगी देखो बेटा आपने कपड़े धुले तो यहाँ तो साबुन लगा ही हुआ है। तो वैसे ही है कि कोई प्रेसिपिटेट था, उसकी हमने जब वॉशिंग की तो जो सॉल्वेंट हमने यूज किया वो सॉल्वेंट उसमें रह गया थोड़ा सा, ठीक है, तो इस वजह से भी इम्प्यूरिटी आ सकती है, ठीक है, और एरर हो सकती है। तो एरर की वजह से इम्प्यूरिटी आई या नहीं, है ना, एरर की वजह से इम्प्यूरिटी भी तो आ गई। इम्प्यूरिटी मैंने आपको बताया था क्या होती है, बताओ दिलीप व्हाट इज इम्प्यूरिटी। सर अशुद्धि ठीक है, अब अशुद्धि आती है ना जब हम किसी काम को करते बिल्कुल हैं, तो अशुद्धि आने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो एरर से भी आ बिल्कुल जाती है, ठीक है। ओके फिर दूसरा हाँ आता है, एक पॉइंट है, इनसफिशियंट कूलिंग ऑफ क्रूसिबल बिफोर वेइंग। अब क्या होता है, मैंने किसी चीज को वॉश किया सपोज, ठीक है, और वॉश करने के बाद मैंने उसकी प्रॉपर ड्राइंग नहीं की, और उसमें यदि मैंने कोई चीज ली है ना, तो उसने मॉइस्चर ग्रैब कर लिया, तो जिस वजह से उस वेइंग मेरी सही आएगी क्या। इसको ऐसे ऐसे समझो कि मैंने एक बॉटल था उसमें से पानी खाली कर दिया और उसमें पेट्रोल डाल दिया, और उसमें पानी का कुछ अंश रह गया बॉटल में, तो वो पेट्रोल में आ जाएगा या नहीं। तो दवाई का जो केस होता है वो तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है। अब दूसरा है अलाउइंग हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या होता है, जो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को ग्रैब कर लेता है और थोड़ा सा लिक्विफाई हो जाता है, उसको हम हाइग्रोस्कोपिक एजेंट कहते हैं। मतलब जो इन्वायरमेंट के मॉइस्चर को अवशोषित करने की पावर रखता है ना, तो वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर सेंसिटिव जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कहते हैं। तो अलाउइंग हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर बिफोर और ड्यूरिंग वेइंग, मतलब क्या है, हमें जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है उसको हमें प्रॉपरली मेजर करना है ताकि उसके वेट में वेरिएशन ना आए, नहीं तो वो मॉइस्चर ग्रैब कर लेगा। आ रहा है समझ में दिलीप, हाँ सर थोड़ा थोड़ा है तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या होता है बताओ। सर एनवायरनमेंट से जो एब्जोर्व क्या बोलते हैं सर उसको मॉइस्चर को एब्जोर्व करता है सर उसको बोलता है बस हाइग्रोक्सीमीटर अब ऐसे हाइग्रोस्कोपिक जस्ट यदि लाइक सर सब्सटेंस को हैंडल कॉफी कर रहे तो उसको हमको प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्रैब कर लेगा, है ना, उसका नेचर है, उसका स्वभाव होता है ये, ठीक है। किसका जैसे सर आपने सब्लिमेशन सुना होगा, हर सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होती है ना, हर सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप कपूर को जलाओगे तो वो सीधे मतलब जल के सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, तो इस टाइप के हर सब्सटेंस की अपनी क्वालिटी होती है। तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मॉइस्चर ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा भी उनको मॉइस्चर मिला तो वो चिपचिपे हो एग्जाम्पल जाएंगे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल में सर चिपचिपे जैसे कॉफी वगैरह चिपचिपे की वजह से क्या होगा, सपोज कोई पदार्थ बहुत ज्यादा चिपचिपा है, ध्यान से सुनना, अब मैं उसको यदि एक एक पात्र से, मैं उसको यदि एक बीकर से दूसरे बीकर में ट्रांसफर करूंगा, तो क्या वो पूरा ट्रांसफर होगा, नहीं हो नहीं होगा पाएगा ना। सर तो अब वो उसको जो बीकर एग्रोस्कोपी में लगा बोलते हुआ है उसकी वजह से एरर नहीं आ जाएगी क्या, आएगी कि नहीं। हैं सपोज मेरे को 500 mg तौलना था, लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी, थोड़ा बहुत उड़ा दिया, थोड़ा बहुत बगड़ा दिया, हाइग्रोस्कोप था तो उसने मॉइस्चर ग्रैब कर लिया, तो सब मेरे फॉर्मुलेशन का कचरा नहीं हो जाएगा। इसलिए दवाइयों की कंपनी में दवाई बहुत केयरफुली बनाई जाती है, एक छोटी से छोटी बाल बराबर चीज का भी इतना ध्यान रखा जाता है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी पूरे बैच को खराब करती है और कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है ना। तो इसलिए दवाई बनाना बहुत सेंसिटिव काम है और बहुत सिंसियरिटी का काम है, इसलिए कम से कम 4 साल आपको फार्मेसी पढ़ाई जाती है, उसके बाद इंडस्ट्री में आप 2 साल अप्रेंटिस करने के बाद दवाई बनाते हो, आप सोचो इतना लंबा समय दवाई बनाने के लिए, है ना, क्योंकि ये किचन का थोड़ी ना है कि हमने दाल में छोक लगा दी और सही नहीं बनी तो फेंक दिया, है ना। अब वहां तो कुंटल टनों में मतलब कैलकुलेशंस होती हैं, है ना, और उसमें फिर एरर आती है तो पूरा बैच खराब होता है, इम्प्यूरिटी आती है तो पूरा बैच रिजेक्ट करना पड़ता है, क्वालिटी कंट्रोल में यदि देखा हेलो कि भाई ये बैच सही नहीं बना है, फिर कंपनी को कितना लॉस होता है ना, तो सर को कम करने के लिए एरर का ध्यान रखा जाता है। ये हाँ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में जैसे अपन कॉफी वगैरह
हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, कुछ हाँ मटेरियल फोटोन्स देखे है भी होंगे हाइग्रोस्कोपिक नेचर के, थोड़ा सा भी मतलब ठंड ना, वंड, इसी थोड़ा सा बारिश एग्जाम्पल वारिश के तौर हुई। पर ठीक रहेगा ये कॉपी सर। हाँ बिल्कुल सही है, आप अपने डेली लाइफ से भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन आगे मैं कभी ना कभी पढ़ाऊंगा तो इसका एग्जाम्पल आपको क्या बोला बता शादी दूंगा, दोबारा बारिश सर क्या? या आप नेट पे डाल के देख लेना गूगल पे एग्जाम्पल ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, तो आ जाएंगे 2-4-5 नाम, और उसमें से कुछ ना कुछ आपके डेली लाइफ रूटीन में मिल ही जाएगा। कॉफी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसलिए आपने देखा कॉफी होगा है, कॉफी बोर्नविटा है। को आप हमेशा पैक करके रखते हो, है ना। नहीं सर, जो वैसे बारिश तो में हाँ कपड़े को पे जो मॉइस्चर लग जाता है उसको भी हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं सर। नहीं, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कंपेरेटिवली अच्छा वो ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसको ओके हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। बाकी हर चीज मटेरियल थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो हर चीज ही पकड़ती है, नहीं पकड़ती है, लेकिन ये ठीक। जो सब्सटेंस है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रैब करे, कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा, है ना। मतलब नॉर्मली हमको लगेगा कि यार सब कुछ तो सही है, फिर भी वो चीज मतलब लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी। अब आया समझ में, है ना। अब आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, कॉफी को भी आपने देखा होगा, हमारी मम्मियाँ कॉफी को मतलब एकदम पैक करके रखती है, और नहीं तो फिर वो पूरी गिज हो जाती जी है, सर, बोन कॉफी भी और ये भी साथ बोर्नविटा ऐसा जो होता है कभी कभी, है ना। तो है, ये बोर्नविटा भी होता है हाइग्रोस्कोपिक सर। प्रॉब्लम फेस इंडस्ट्री में भी करनी पड़ती है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी यही प्रॉब्लम आती है कि वहां भी तो यही काम हो रहा है, दवाई बन रही है, जैसे हमारे किचन में खाना बन रहा है ना। हम यदि अच्छे से खाना बनाएंगे तो खाना टेस्टी बनेगा, सब 4 लोग तारीफ करेंगे, और यदि हमने खाना सही नहीं बनाया तो बोलेंगे यार आज थोड़ा जल गया, आज नमक ज्यादा हो गया, कुछ ना कुछ कंप्लेंट आएगी। पर इंडस्ट्री में जो कंप्लेंट है उससे फाइनेंशियल लॉस होता है ना, तो इसलिए वहां पर स्किल्ड वर्कर काम करते हैं, चेक किया जाता है कि किसी की आई सही है या नहीं, है ना। कोई व्यक्ति यदि लैब में काम कर रहा है तो उसकी आंखों का सही होना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि वो रीडिंग कैसे लेगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट में हमें रीडिंग ऑब्जर्व करनी पड़ेगी ना, ऑब्जर्वेशन करके रीडिंग से हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो रीडिंग सही आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, व्यक्ति का फिजिकली फिट होना भी जरूरी है, पता चला उसके हाथ कांप रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग ड्रिंक करते हैं तो उनके हैंड में शिवरिंग नहीं होती है, अब बिल्कुल होता बताओ है ऐसे सर। शिवरिंग वाले हाथ ऐसा स्किलफुल वर्क कर पाएंगे क्या, गलती हो सकती है। तो ये सब एरर्स को कम करने के तरीके हैं, स्किल्ड बड़े से एम्प्लॉय को ज्यादा यूज अल्कोहल किया कंजप्शन भी सही नहीं रहता ना सर हेल्थ के लिए। है क्या, अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा सही नहीं रहता पार्किंसन ना सर डिसीज हेल्थ। हो गई उसको, मतलब हाँ कौन सी अंकित डिजीज ने है? बिल्कुल सही पकड़ा है, अच्छा पार्किंसन हो गई पार्किंसन। पार्किंसन, अभी कल या परसों मैडम ने पढ़ाया था शायद पार्किंसन डिजीज। सही है। तो कुल मिला के भाई सारी बातों का निचोड़ यही है कि दवाई बनाते वक्त, कोई भी दवाई बना रहे हो, टेबलेट कैप्सूल पेरेंट्रल, गलतियां होनी नहीं चाहिए, बस ये निचोड़ मान लो आप। इंस्ट्रूमेंट भी मस्त होना चाहिए, फर्स्ट क्लास, और काम करने वाला व्यक्ति भी अच्छा होना चाहिए, और उसका उसका सिंसियरिटी भी उसकी जरूरी है, और यदि ऐसा नहीं है तो सब कबाड़ा हो जाएगा मेडिसिन का, ठीक है। दे आर कॉज्ड फॉल्ट इन द एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है, वेइंग मशीन है, उसमें फॉल्ट की वजह से हो सकता है। डिटर्मिनेट एरर आर सिस्टमेटिक एरर, दे आर नॉट रैंडम। अभी आपको बताया दोनों अलग अलग होती है, रैंडम में हमको कॉज पता नहीं होता, और सिस्टमेटिक में कॉज पता होता है, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। एज द नेम इंडिकेट द कॉजेस, दिस टाइप ऑफ एरर मे बी फाउंड आउट एंड देन ईदर अवॉइडेड और करेक्टेड। अभी आपको बताया कि जिस एरर को हमने फाइंड आउट कर लिया है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं, क्यों दिलीप। बिल्कुल अब तुमको समझ में आ गया कि भाई मेरे को गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आ रही, मेरी गाड़ी बंद इसलिए हो गई कि पेट्रोल खत्म हो गया, तुम फट से ना पेट्रोल डलवा लोगे, तो तुमको डिटरमाइन समझ ही में ही नहीं आ रहा रहोगे कि गाड़ी बंद क्यों हुई है, तो फिर तो शायद मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा, और फिर रिसर्च करनी पड़ेगी, शोध करना पड़ेगा, है ना, प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैलिब्रेशन ऑफ एपरेटस, ऑल एपरेटस लाइक वेइंग मशीन, फ्लास्क, ब्यूरेट, पीपेट, ठीक है, ये सब कैलिब्रेटेड होना चाहिए, ये सब आपने देखे होंगे केमिस्ट्री लैब में, पीपेट देखा है आपने, ब्यूरेट, फ्लास्क, है ना, राउंड बॉटम फ्लास्क आता है, बीकर आता है, ठीक है, ये सब लेकिन बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं। तो सर एक्सपेरिमेंट बहुत के टाइम हो दौरान गया हम सर, 10 साल जितने हो भी गए छोड़े। अच्छा फ्लास्क, ब्यूरेट हम सब यूज करते हैं, ये कैलिब्रेटेड होना चाहिए, मतलब इनका मापन सही होना चाहिए, ठीक है। सर, एक सर पता 10 साल हो गए छोड़े हुए सर, अब भी पता केमिस्ट्री थोड़ा दिमाग से निकल गया सर। द अप्रोप्रिएट करेक्शन अप्लाइड टू द ओरिजिनल मेजरमेंट,
इन सम केसेस एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. अभी आपको बताया एरर कुछ केसेस में हटाई नहीं जा सकती. अप्लाई टू द करेक्शन फॉर दैट डिफेक्ट. एन इम्प्योरिटी वेड प्रेसिपिटेट मे बी डिटरमाइंड एंड इट्स वे डिडक्टेड. अभी आपको बताया जो एरर है उसको माइनस कर दो, है ना? तो मतलब एक्चुअल वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस कर दो तो एरर आ जाएगी. अब सोर्स ऑफ एरर, ठीक है, ये जो है ना एरर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, इसमें ज्यादा कोई स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा थ्योरेटिकल जाता है. मैं आपको एक रास की है बात सर, ये बताता तो हूँ, मैं आपको एक थ्योरेटिकल रास की पार्ट है बात सर, ये बताता हूँ. आपकी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है ना उसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत टफ है, लेकिन जब आप पेपर देखोगे तो उसमें बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर स्ट्रक्चर का कोई ज्यादा रोल नहीं है. अब जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 7 नंबर. अब ये क्वेश्चन में आपको कहीं स्ट्रक्चर बनाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है ना, है ना? तो ये वाला क्वेश्चन आप आएगा तो इसको सॉल्व करोगे, अटेम्प्ट करोगे तो झंझट ही नहीं रहेगी, है ना? सर ये जैसे तो एंटासिड को थ्योरेटिकल है मैंने ना आपको सर। पढ़ाया था, तो आपकी केमिस्ट्री से ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा वो नहीं रहता. बताऊं क्यों? क्योंकि डिफार्मा लेवल पे, डिप्लोमा लेवल पे इतनी हाई फाई केमिस्ट्री आप लोग समझ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, और समय भी बहुत कम रहता है ना? अब जैसे आपके डी फार्मेसी में पहले केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में भी थी और केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में भी थी, और अभी सिलेबस चेंज हुआ तो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में डाल दी, तो आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस इतना बड़ा हो गया है कि मैं क्या बताऊं. देखा किसी ने? सर देखा है सर, आपके बट इसमें सर फर्स्ट सबसे ज्यादा ईयर में बेक इसी में पांचों आती है, पता है सर सब्जेक्ट का आपको? सिलेबस आप देखना, सबसे बड़ा सब्जेक्ट और सबसे लेंदी सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है. ऐसा सर क्यों सबसे पता ज्यादा है? बेक भी इसी में आती है सर, और बैक तो इसमें बहुत जबरदस्त आते हैं, सबसे ज्यादा इसीलिए है. तो सर। कोई भी बता देगा आपको, टीचर भी बोल देगा और बच्चा भी बोल देगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत टफ है. और अब वो हाँ और ज्यादा मेरे डेंजरस क्यों हो गई है? क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थी उन दोनों को मिला दिया गया है. आ रहा है आपको समझ में? आपके जो पहले के सीनियर होंगे ना उनसे किसी से पूछ के देखना तो वो बताएंगे यार ये तो सेकेंड ईयर में थी, और जब वो आपका सिलेबस देखेंगे तो बोलेंगे यार ये तो तुमको एक ही साल में पढ़ा रहे हैं पूरी, तो इसलिए सिलेबस लेंदी हो गया है. ठीक है, तो एरर सोर्स ऑफ एरर में आता है ह्यूमन सोर्सेस, द क्वालिफाइड पर्सन यूज किए जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड पर्सन यूज किए जाएंगे, जो जिनको एनालिसिस का अच्छा नॉलेज होगा, जिनके हाथ साफ होंगे एक्सपेरिमेंट में, वो यदि करेंगे तो ये एरर नहीं आएगी. तो एनालिस्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है. दूसरा, इंस्ट्रूमेंट एपरेटस ग्लासवेयर, ये हमारे सब कैलिब्रेटेड होने चाहिए, ठीक है. और तीसरा है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन. बिल्कुल सही बात है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो भी है, जो टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है उसको हमें मेंटेन करना है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर या जो भी है इन्वायरमेंटल प्रेशर, ये सारी चीजें हमें मेंटेन करनी है, तब हमारे रिजल्ट सही आएंगे. कॉन्स्टिट्यूएंट यूज्ड इन एनालिसिस, मतलब हम एनालिसिस करने के लिए जो केमिकल यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं, इनमें प्योरिटी होनी चाहिए, है ना? पता चला हम एरर को दूर करने जा रहे हैं और हम जो रिएजेंट सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसमें ही इनप्योरिटी है, तो उसकी इनप्योरिटी की वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट में एरर आ जाएगी. प्रोसीजर हमारा सही होना चाहिए, ठीक है. मतलब मेथड होता है ना किसी भी चीज को परफॉर्म करने का, भाई हम चाय बना रहे हैं तो चाय बनाने का एक मेथड होता है, और वो मेथड यदि आपका अच्छा है तो चाय कैसी बनेगी दिलीप? चाय तो अच्छी बनेगी सर, तब तो फिर और चाय बनाने में यदि एरर आ गई तो चाय अच्छी बनेगी क्या? कौन भी है सर। अब तुमने यदि चाय बनाते वक्त क्या किया, पहले भगोने में पानी भी ले लिया, चाय पत्ती भी ले ली, दूध भी ले लिया, सब ले लिया और एक साथ उबाल लिया, ये सही है क्या चाय बनाने का तरीका, कुछ हद है तक ना? तो सही बनेगी सर। अब तुम्हारे लिए तो कुछ भी हो सकता है भैया, नहीं लेकिन सर हर ऐसा चीज का कुछ एक नहीं, तरीका होता है. तुम वो मुझे तो एक पता बात सर, बताओ, एक जिस स्टैंडर्ड किचन लाइफ में तुम तरीका खाना होता है। बना रहे हो सकता है उस किचन में मैं संजीव कपूर को भेज दूं तो वो ज्यादा टेस्टी खाना बना देगा उसी किचन में, बिल्कुल मस्त सेफ है सर वो। क्योंकि उसको पता है ना क्या कब कितना करना है, कितनी बेकिंग करनी है, कितना तलना, कितना भूनना है, किस टेम्परेचर पे करना है ना? खाना बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है दिलीप, उसमें कब आप कितना क्या मिक्स कर रहे हो ये इसका बहुत मायने रखता है, ये सब चीजें, है ना? तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस से आती है कि भाई क्या कब कितना डालना है. तो कुछ लोग बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, जैसे संजीव कपूर के पूरी दुनिया में 25 अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसके रेस्टोरेंट होना बहुत बड़ी बात है ना. क्या है उसके हाथों में ऐसा? वो भी तो तेल मास्टर नमक सेफ है मिर्ची सर ही वो, यूज करता, मास्टर है वो, है ना? उसको मास्टर सेफ है एक्सपीरियंस सर है. वो। तो बस ड्रग की एनालिसिस भी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ही करता है, ठीक है. सर आप इसीलिए तो पीएचडी जब होल्डर हो पोस्टिंग तो आप निकलती बना रहे है हो सर ड्रग ये। एनालिस्ट की, तो 1 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो सिलेक्शन होता है 10-12 लोगों का, सोच लो अब तुम अंदाजा लगा लो. वो लोग वहां पर लैब में फिर एनालिसिस करते हैं, ठीक है.
स्टेट गवर्नमेंट की लैब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लैब होती है। एनालिसिस का काम कहाँ होता है? गवर्नमेंट की लैब में होता है। प्राइवेट की लैब में करा के तो कोई मतलब ही नहीं है, प्राइवेट वाले तो पैसे खा के फर्जी रिपोर्ट बना के दे देंगे। तो गवर्नमेंट की लैब में ही एनालिटिकल टेस्टिंग होती है दवाइयों की, ठीक है। अब इसके प्रोसीजर सही होना चाहिए, जो हम रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं उनमें इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सही होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल एपरेटस ग्लासवेयर सब सही होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स हमारा सही होना चाहिए, हमारे एम्प्लॉय, है ना। सोर्स ऑफ एरर में सैंपल प्रिपरेशन करते वक्त एरर नहीं आनी चाहिए, हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं ना कभी कभी, तो उसमें एरर नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीजें, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, रिपोर्टिंग एरर, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन हमारी सही होनी चाहिए, सैम्पलिंग एरर हमारी सही हो, सैम्पलिंग एरर नहीं आनी चाहिए, है ना, हम यदि सैम्पलिंग कर रहे हैं तो। आ रहा है समझ में? सैम्पलिंग मतलब क्या होता है पता है? सर किसी चीज का छोटा टाइप कुछ पोर्शन लेके उसका मतलब भेजना है, वो सिंपल ही तो बिल्कुल बोलता है जो होता है। सही बात है। हमारे पास कोई चीज यदि बहुत सारी है तो हम उसमें से थोड़ा सा लेके उसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि भाई कैसी बनी है ना। चाय की हमको सैम्पलिंग करनी है तो हम थोड़ा सा चम्मच में पी के देख लें, फिर हम मेहमानों को चाय दे देंगे। तो वैसे ही फार्मेसी में भी होता है। अब बात आती है एरर को मिनिमाइज कैसे करना है। अब जो चीजें ऊपर ही पड़ी है उसका थोड़ा उल्टा कर दो तो मिनिमाइज हो जाएगी एरर, है ना। केमिकल एरर को दूर करना है और इंस्ट्रूमेंटल एरर को दूर करना है, तो इसको आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूछो। सर एक क्वेश्चन है मेरा, सर सर जो ये डिटरमिनेट एरर्स और इनडिटरमिनेट एरर्स में डिफरेंस क्या होता है सर? इसमें एक होता है सिस्टमेटिक, एक होता है रैंडम। सिस्टमेटिक अच्छा, में हमको पता होता है कि कोई एरर सिग्नेचर का फिर से होता है, कॉज क्या है, ठीक है। कॉन्स्टेंट एरर भी बोल सकते हैं ना इसको। हाँ, उसके सिनोनिम्स है वो, अच्छा, ठीक है। ये वाला पूछ रहे हो ना, सिस्टमेटिक एरर को डिटरमिनेट एरर कहते हैं और इनडिटरमिनेट रैंडम। तो जो सिस्टमेटिक हाँ एरर है इसमें हमको कॉज का पता होता है तो हम उस कॉज को रेक्टिफाई कर पाते हैं, और रैंडम एरर में हमें कॉज का पता नहीं होता, और यदि कॉज का पता भी है तो इस केस में हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे एक्सपेरिमेंट कहाँ आप परफॉर्म कर रहे हो, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है ना। आ रहा है समझ में? हाँ जैसे सर, आ रहा है क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं एक्सपेरिमेंट पे, ये बताओ। बिल्कुल पक्की। अभी जैसे तुम यहाँ आमला में हो सकता है अभी इसी वक्त तुम किसी और स्टेट में चले जाओ तो वहां तुमको ठंडी गर्मी में कुछ चेंजेस महसूस होगा, होगा या नहीं। या आप बहुत ज्यादा हाइट पे चले जाओ तो वहां पर चेंज महसूस होगा, है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किस लोकेशन पे परफॉर्म हो रहा है, इस चीज का भी प्रभाव पड़ता है। अब क्या करें साहब, वहां पर गर्मी है तो है, क्या कर लोगे आप? अब एसी लगा के उसको मैनेज करने की कोशिश करोगे कि भाई एसी में लगा दूं तो टेम्परेचर थोड़ा सा, मतलब इस टाइप से व्यक्ति रेक्टिफाई करता है एक्सपेरिमेंट में, ऐसी बात नहीं है। जितना हो सके एरर को कम करने की कोशिश की जाती है। अब देखो ना, इंडस्ट्री में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है प्रोडक्शन के दौरान, इसलिए तो वो लोग साइंटिस्टों को हायर करते हैं। क्यों करते हैं? मशीनों में प्रॉब्लम आती है तो भाई मतलब हर चीज को वो बेस्ट बनाना चाहते हैं, एरर्स को हमेशा कम करने की कोशिश की जाती है। एरर जितनी कम, प्रोडक्ट उतना अच्छा बनेगा और कंप्लीट कंपनी को फायदा भी होगा। तो यहाँ पर आपका ये एरर खत्म हो गया, ठीक है। इसका मैं ओके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, ये 7 नंबर 8 नंबर में पूछेंगे तो आप पूरा लिख देना, सर, है लिख ना। देंगे इसको। एरर की डेफिनेशन आएगी, टाइप्स ऑफ एरर आएगा, और हाउ टू मिनिमाइज एरर, ऐसे करके जोड़ के क्वेश्चन बनता है। एरर इंपॉर्टेंट है। और आपका एक और पार्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, उससे कभी क्वेश्चन नहीं आते, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पर मैं आपको बता दूंगा, वो भी थ्योरेटिकल है, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे एंटी डायग्योरेटिक ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट है किसी को? सर इसमें तो नहीं है सर, वो एक जीआई वाला एक दिन, और सर जो कल मैडम ने पढ़ाया था ना वो एडेंट्रिक एजेंट, वो सर वो वाला एक बार थोड़ा कब पढ़ो, वापस रिवाइज करवा दो सर वो। एसिटाइल कोलीन, कल जो पढ़ाया था एसिटाइल कोलीन। चलो मैं हाँ उसको सर, वो रिवाइज भी। करा दूंगा, ठीक है। मैं उसको रिवाइज करा के उसका एक रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूंगा, ठीक है। सर एक चीज और बताना इजी सर, ये जो सर इसमें सर जो केमिस्ट्री जो स्ट्रक्चर्स वगैरह सर, ये जो इनमें जो मेथनॉल एथनॉल की सर, इनका सर थोड़ा बेसिक्स हो जाए तो सर एक बार थोड़ा समझ में आ जाएगा सर, क्योंकि सर जो इनका केमिस्ट्री बेसिक्स वगैरह आपको तो होगा, ठीक थोड़ा सा आप धैर्य धारण करो। और है, पेपर उठा के देखे आपने केमिस्ट्री के? अब देख रहा हूँ ये तो।
पेपर उठा के देखो, पहले ऐसी चीजें पढ़ लो, पेपर में ऐसी चीजें तैयार कर लो जो आसान और इजी है और जो एग्जाम में आती है, फिर उसके बाद हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो हम सारी चीजें करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी है जो आपकी एग्जाम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर आप बोलो कि ओके भाई मैं हर केमिस्ट्री में जितनी ड्रग है हर ड्रग का स्ट्रक्चर मैं समझूं, तो फिर आपके पास उतना समय कहाँ है फिर, वो है तो ना? नहीं सर। आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और हर सब्जेक्ट का सिलेबस तो आपने देख ही लिया होगा, है ना? इतना लेंदी है। अब आप मुझे बताओ, आप एक ड्रग को बहुत ज्यादा गहराई से समझोगे तो आगे चल के फिर आपको चीजें याद रहेंगी माइंड में इतनी, ये बताओ। नहीं सर, आपके एक तो जैसे जी सर, जो फार्मास्यूटिकल मेकअप केमिस्ट्री में करते हैं कम और से एक सर कम समझ आपको, सकते हैं ना, ज्यादा समझ में आता मेरी ना। बात तो सुनो, आपको कम से कम 20 क्लासिफिकेशन याद करने हैं। आपके केमिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन आता है? ऐसा क्वेश्चन आता है ना, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक मेडिसिन, ऐसा आता है। अब आपको क्लासिफिकेशन याद करना है, तो ड्रग्स के नाम आप याद करोगे या नहीं? वो आपको तो करना ड्रग्स के पड़ेगा। नाम ही तो आसानी से याद नहीं होंगे, स्ट्रक्चर की तो बात बहुत दूर है ना? अभी जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिर जब मैं ड्रग्स के नाम आपसे पूछूंगा तो देखना आपको ड्रग्स के नाम याद नहीं हो पाएंगे आसानी से, क्योंकि बहुत सारे हैं ड्रग्स के नाम, है ना? आपके सिलेबस में कितने सारे ड्रग्स दिए हैं, कार्बाकोल, तो नियोस्टिग्मीन, है ना, तो मेथामिजोल, बहुत सारे ड्रग्स हैं, उनके नाम ही आपको याद नहीं रहेंगे, तो स्ट्रक्चर की बात तो बाद में आएगी, तो पहले ड्रग के नाम तो याद कर लो, क्योंकि आपने यदि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ड्रग का नाम भी लिख दिया ना तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप ड्रग का पहले नाम याद करो, पहले आप पूरे क्लासिफिकेशन याद करो ड्रग्स के, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, है ना, आपका एंटी कैंसर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, आपका एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, एंटी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन, ये सारे ड्रग के क्लासिफिकेशन आपको याद करने, ठीक है? कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एंटी डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन आप लोग याद करोगे, ठीक है? कल तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये आपका होमवर्क है, और आज जो पढ़ाया है इसके बारे में मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है? टाइप्स ऑफ एरर आपको पता होने चाहिए, हाउ टू मिनिमाइज इट, आपको इसके बारे में कल मुझे बताना है, ठीक है? तो आज की क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं, कल मिलेंगे अपन 9 से 10, और कल आपकी एक केमिस्ट्री की क्लास होगी जो होगी 7 से 8, नहीं 8 से 9 या 7 से 8 होगी, मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे, 8 से 9 ठीक कर है? दो सर, तब तो मैं भी थोड़ा फ्री हो जाऊंगा। हाँ, तो फिर लगातार 2 क्लास हो जाएगी, एक कोई इशू मैडम नहीं सर, लेंगी केमिस्ट्री की और एक मैं लूंगा, तो 2 क्लास हो जाएगी, ठीक है ना? कोई कोई दिक्कत इशू नहीं, नहीं। हमको तो हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है बस, और रिवीजन करना है, ठीक है? चलिए ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं, और मैडम की क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर में शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है? ओके ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट।